हाँ अभी बेबी एप्पल है, छोटा सा एप्पल है ये। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं अपने सामने वाला खेत में और ये देखिए हमारा छोटा सा भांजा क्यूट सा। बोलो हेलो, बोलो व्यास। हाँ हेलो बोल रहे हैं। हाँ चलो अभी तो अभी हम चलते हैं, मेरे पति देव जी बोले हैं कुछ लाने के लिए, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या बोले हैं लाने। आज का मौसम हम लोगों के इधर हवा बहुत अच्छा चल रहा है और बादल भी लगा है। भगवान से विनती है कि भगवान खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। हम आज हम केला लेंगे ना? हाँ, क्या करेगा? हाँ केला लेगा। हाँ। अभी रियांश को हम लाए हैं एप्पल का पेड़ दिखाने के लिए। किसका पेड़ देखेगा रियांश? एप्पल का पेड़। और किसका पेड़ देखेगा? बनाना का पेड़। हाँ और किसका? छोड़ दो इसको, छोड़ दो। और अमरूद का पेड़। हाँ तो देखिए अभी हम आ चुके हैं खेत में और ये देखिए बैगन कितना फरा हुआ है। तो बहुत दिन बाद आए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा रहता है ना, हम निकलते ही नहीं। बैगन बहुत सारा फरा हुआ है, तो अभी बैगन का सब्जी कुछ दिनों से नहीं बन रहा है क्योंकि वो बोले हैं अभी नहीं खाएंगे, तो इसलिए उसमें लगा पीछे देख के। तो अभी हम जो चीज लेने आए हैं पहले हम उसको ले लेते हैं। पहले वो दिखा कितना अच्छा चिड़िया देखो चल रहा है, तो वो देखो वो चला गया उड़ के। देखा रियांश, पाइप भी लगा हुआ है। हाँ पाइप भी लगा हुआ पानी। इधर से आ जाओ, आ जाओ इधर से चलते हैं, आ जाओ। इसमें खेत में पानी पटाया जाता है ना, इसमें पानी डालेंगे तभी तो फरेगा ना। इसमें ये इसमें पत्ता पे पैर नहीं देना रियांश, आ जाओ। जहाँ पे खाली जगह है ना वहाँ से चलना है। ये देखो रियांश तुम्हारे लिए सब्जी बनेगा, आओ दिखाते हैं हम तुमको कितना। इस साइड आओ, देखिए आप लोग यहाँ पे घिवरा छुपा हुआ है, दिखा दो तो। ये देखिए, देखो देखो ये कितना, देखिए कितना खुश है घिवरा। देखिए रियांश, रियांश ज्यादातर घिवरा का ही सब्जी खाता है, खाता है ना लेडी फिंगर और घिवरा का सब्जी। हाँ पेट मिला, आओ गोदी आओ, गोदी गोदी आओ, गोदी आओ। अब हम कैटरपिलर नहीं काटेगा। हाँ कैटरपिलर नहीं काटेगा। अरे आ गए हम। तो देखिए इसका छोटा छोटा सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मूर्ति वही जो चल रहा है, चाली क्या बोलते हैं उसको? हाँ गनगुरिया जो है, छोटा छोटा सा चल रहा है इसको। डर लो मामी उठा देखो क्या है ऊपर में देखो। हाँ वो देखो बांस का पेड़। हाँ। और अच्छा दिखाते हैं और दिखाते हैं, बोलिए आइए आप लोग, हम आप लोगों को और दिखाते, बोलो आइए आप लोग और दिखाते हैं। हाँ चलिए आइए, पहले हम देखिए हम ये देखो मिल गया ना, बोलो कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ एक उधर में एक उधर में। हाँ देखिए इसमें कितना सारा अमरूद फरा हुआ है, देखिए आप लोग ये देखिए है ना। जब ये बड़ा हो जाएगा तो रियांश खाएगा ढेर सारा गाभा। अब चले एक उधर में भी, एक उधर में भी टूटू है ना, टूटू नहीं है बहुत, 100 है, 1 2 3 4 बहुत सारा है, दिखा दो देखो कितना। देखिए आप लोग कितना सारा है इसमें अमरूद, एक उधर में भी देखो। हाँ। एक उधर में भी है। हाँ अरे रियांश तुम्हारा फेवरेट वो देखो लेडी फिंगर, कहा ये देखो लेडी फिंगर। इसका खुशी दिखा, इसका देखिए लेडी फिंगर को देखिए कितना खुश हो गया। ये 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 छुप छुप, अब नीचे उतरेगा रिया? नहीं 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 अब नहीं है, कैटरपिलर काट लेता है। कैटरपिलर काट लेता है, नहीं काटेगा। देखो पॉम ग्रेनेट है, देखो कहाँ ये देखो ना इधर इधर, ये देखिए आप लोग अनार, अच्छा लग रहा है अनार, अनार अच्छा लग रहा है ना। तो हम पुच्ची को बोले कि पुच्ची आ जा इधर से रिकॉर्ड कर, पुच्ची बोलती है नहीं आप रियांश को गोदी लिया था। देखो वो मौखी बोल रही है कि उसको भी गोदी लेने के लिए, कैसे लेगा गोदी? वही तो मौखी बड़ी हो गई है ना। हाँ। उसको कैसे गोदी लेगा? उधर का झंडा। हाँ उधर झंडा, देखिए आप लोग इसमें भी अनार फड़ा हुआ, उधर से भी और सब फूल दिया हुआ। हम बहुत दिन बाद आए देखने के लिए, हमको लगा अमरूद बड़ा बड़ा हो गया होगा लेकिन नहीं हुआ। टूटू झंडा, हाँ टूटू झंडा है वहाँ पे। और चलिए अभी हम जो लेने आए पहले हम वो ले लेते हैं, आ जाओ मामा जी के लिए ये वाला पत्ता लेने आए, दिखा दो ये देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं पत्थर चट्टा का पत्ता, क्योंकि
ये जो है ना मतलब पेट में जैसे पत्थर वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें पीस के पिया जाता है। तो पत्ता जो है हम उनको बीच बीच में देते रहते हैं, दो चार पत्ता धो के चबा लेते हैं तो सही रहता है। उनको यूरिन में भी दिक्कत नहीं, अभी कुछ दिनों से हम नहीं आ पाए, नहीं ले गए तो वो नहीं खाए हैं, तो उनको यूरिन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो वो बोले हमको चार पाँच ला दो, हम अभी खा लेंगे, खा के पानी पी लेंगे तो फिर सही रहेगा। तो अभी देखिए हम ले लेते हैं। क्या है? हाँ, बड़ा वाला पत्ता तोड़ लेते हैं, दो गो और नीचे से तोड़ लेते हैं, तीन और ये देखो चार। ये लो रियांश, पकड़ लो तुम, मामा जी के लिए ले जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला पत्ता देखिए, कोई भी जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है ना, कोई भी दवाई खाने का मतलब यूरिन के लिए जरूरत नहीं है। अगर बस ये इस चीज के लिए कि हाँ स्टोन पेट में स्टोन वगैरह होने नहीं देगा, उस चीज को रोक के रखता है। अगर जिसको स्टोन है भी तो वो भी इसको पीस के पी सकते खाली पेट सुबह सुबह। बट्टा में देख देख के चलना। हाँ, तब हमारे बट्टा खत्म हो जाएगा तो क्या, तो कौन बट्टा खिलाएगा? एप्पल का पेड़ नहीं देखा ना रियांश तू? हाँ चलो हम तुमको दिखाते हैं, इसको हम एप्पल का पेड़ दिखा ही नहीं। वो देखो कहा, नहीं वो नहीं है वो पेड़ में देखो ना। हाँ उसमें देखो कितना सारा फल है ना। हाँ एप्पल है। हाँ एप्पल का पेड़ नहीं है, वो फल्ली है, तार का फल्ली होता है ना वो है। अब से दूसरा दिखाते हैं। यहाँ यहाँ से देख लो तुम, हम तुमको यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए कितना उत्सुक है एप्पल को देखने के लिए। ये देखो एप्पल का, ये एप्पल नहीं है। हाँ अभी बेबी एप्पल है, छोटा सा एप्पल है, ये दिखा दो मूर्ति। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए आप लोग, अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया है सेब। मुझे लगता है इसमें से भी कुछ कुछ झड़ गया, क्योंकि पिछले बार हम आए थे तो बहुत सारा था। देखो रियांश ये देखो एप्पल, दिखा एप्पल नहीं। ये देखो ना एप्पल है, ये अभी बेबी एप्पल है ना, कच्चा है, पकेगा तो फिर... मम्मी एप्पल का है। हाँ तो मम्मी एप्पल को खा गई। हाँ मम्मी एप्पल खा गई। चलो अब ये रो रहा है ना। हाँ अब ये रो रहा है, हाँ अब हैप्पी हो गया, रियांश भी हैप्पी हो गया ना। चलो चलते हैं, मम्मा हाँ अब पापा ही नहीं है ना उसका। हाँ पापा भी नहीं है एप्पल का, पापा को भी खा गए। हाँ उसका पापा को भी खा गए हम लोग। अब कौन क्या है, अब कौन रहेगा उसका बेटा? उसका पापा कौन रहेगा उसका? उसका पापा नहीं है, उसका पापा पेड़ है। हाँ तो चलिए चलते हैं, देखिए कितना क्यूट बात करता है ये, जब से है ना बहुत मन लगता है, ये हमेशा मेरे पास ही रहा। हम कौन है रियांश? हम कौन है? मामी है। हाँ हाँ मामी है ना। तो ये देखिए अभी हम आ गए हैं और ये अभी लेटे हुए हैं, ये पत्ता ले आए हैं, बैठिएगा तब पीजिएगा ना, खाइएगा। तो चलिए अभी हम इनको सीधा करा के एक्सरसाइज कराते हैं। तो अभी देखिए इनका एक्सरसाइज खत्म हो गया है और देखिए घड़ी में कितना बज रहा है, 8:15। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा बहुत काम था उस वजह से। तो ये देखिए अभी हम पत्ता धो के लाए हैं, चार पत्ता लाए तो चार दिन खिलाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्ता है ना। इस पत्ता के बारे में कुछ बताइए, क्यों खाते हैं? इससे पत्थर नहीं होता है। इससे पत्थर नहीं होता है, और आप किस लिए खाते हो वो बताइए ना। ये यूरिन को मतलब ठीक करके रखता है, इससे पत्थर उत्थर नहीं होता है, इसलिए हम खाते हैं। यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम जैसे जलन वगैरह होता है ना, वो सब नहीं होता है इसको खाने से। वैसे तो बहुत लोग इसको पीस के भी खाते हैं, और ये पीसने में क्या पीसो, अभी डायरेक्ट ये देखिए हम इसको, देखिए आप लोग इसको मोड़ दिए ऐसे, और इनको देखिए खिला दिए। इसका टेस्ट अच्छा लगता है, हम भी खा के ट्राई किए, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप का लगता है ना, कैसा लगता? अब इसलिए नहीं है कि पत्ता मोटा नहीं था ना, इसलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।